सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें होंगी, यानी कि कंपेरिजन भी होगा, बातें भी होंगी। टाइम मैप दो चीज़ें था, आपको पता है, मैंने डोक्सीड और बियर गमी कितना फेमस है, तो इन्हीं दोनों का मैं कंपेरिजन करने वाला। क्योंकि देखिए, एक तरफ बियर गमी जो है आपको ज़्यादा चॉकलेट फॉर्म में आता है, जैसे कि आप चॉकलेट खाते हो यूज, मतलब आपको ये मतलब सिंपली यूज है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एंड एक तरफ मेनोडोक्सिल होता है, हल्का फुल्का उसमें साइड इफेक्ट तो होता ही है, ठीक है। लेकिन मेनोडोक्सिल जो है आपको बियर उगा के देता है, आप लोगों को पता है। लेकिन क्या ये बियर गमी जो है आपको 100% आपकी सेफ वर्क है, और क्या ऐसे यूज करना चाहिए या फिर नहीं, पूरा डिटेल्स वीडियो में मिलेगा। यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड उम्मीद करूँगा इस वीडियो को आप लाइक करोगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो आप देखते हो डेली, ठीक है। मुझे पता है आप लोग देखते हो डेली लेकिन लाइक नहीं करते हो। एंड देखो, अगर देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना भाई लोग, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, रात को ही बनाता हूँ, टाइम जब मिलता है बना के आप लोग को देता हूँ। दूसरे का जर्नी मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, और कोई भी छोटी बड़ी मिस्टेक होता है मैं आप लोग को डिटेल से देता हूँ, तो आप लोग का भी थोड़ा काम है। शुरू करते हैं यहाँ पे बियर गम और मेनोडोक्सिल के यहाँ पे कंपेरिजन में। तो दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पे मेनोडोक्सिल जो है आपको बता दूँ, अगर आप लगाते हो, देखिए मेनोडोक्सिल काम कहाँ से करता है देख सकते हो स्क्रीन में। यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे इस बंदे का ये है इमेज, यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे आप यहाँ से यहाँ तक ग्रो कर सकते हो। मेनोडोक्सिल का आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन इसमें साइड इफेक्ट होता है, जैसे कानों में कान नहीं, आप देखो मेनोडोक्सिल अच्छे तरीके से लगाओगे तो साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक। अगर कान होगा में थोड़ा उड़ा लग जाएगा तो आपको बता दो, वहाँ पर फॉलिकल होते हैं, वहाँ पर आपको बाल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बियर्ड में अगर फॉलिकल नहीं है तो नहीं आता है ना, इसलिए आपको अच्छे तरीके से लगाना है बियर्ड में, तब ना आपको यहाँ पे वर्क करेगा। आप गलत जगह पे लगा हुआ है, गलत वर्क करेगा, ठीक। तो इसीलिए आपको साइड इफेक्ट से बचना है, मतलब अपने आप गलती से बचना है। गलती करोगे तो साइड इफेक्ट मिलेगा आपको। रात को लगा के मतलब खाना वाना खा के जब लगा लोगे, थोड़ा टाइम तो सूखने देना है, क्योंकि फिर वो जब गीला रहता है तो इधर उधर लगने का भी डर रहता है, तो सूख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इसके बाद आपको बता दूँ, भी मेनोडोक्सिल आपको 6 महीना तक लगाओगे ना, तो अच्छी काफ़ी ग्रोथ आपको मिलती है। अगर आपका बियर पहले ना हो तो वहाँ तक आपको उगा के देता है, ठीक है। लेकिन बियर गम की बात करें तो आपको बता दें, ये आपको अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो बियर गम ही आपको नहीं दे सकता है, कभी नहीं कर सकता है आपको, ये यहाँ से वहाँ तक उठा के नहीं ले सकता है। बियर गम आपको किस काम का आता है, देखिए, अगर आप मेनोडोक्सिल लगा रहे हो पहले से, आपका जो है बियर आ चुका है और टर्मिनल नहीं हो रहा, तो उस टाइम पर आप बियर गम ही खा सकते हो। आपको वहाँ पर मतलब हल्के फुल्के नए बाल भी आएंगे, लेकिन आपके जो बाल हैं उसको मजबूत करते हैं, ठीक है। आप हेयर के लगाओ, हेयर के लिए लगाओ या फिर बियर के लगाओ, आपको अच्छी काफ़ी वहाँ पे मजबूती देखने को मिलेगा। यानी अगर हेयर फॉल होता है फिर बियर, आप पता नहीं मेनोडोक्सिल लगाने के बाद 2-3 महीने वाले छोड़ देता है लोग, उसका बियर जो झड़ने लगता है, तो इस टाइम में आप ये चॉकलेट जो फॉर्म जो आता है, देखो ये प्राइस भी डिसेंट टाइप का है, ठीक है, आप ले सकते हो। लेकिन आपको बता दूँ, ये काम उसी टाइम करेगा, आपको बियर वगैरह जब झड़ रहा है उसको स्टॉप कर देता है। हाँ, अगर आप चाहते हो न्यू ग्रोथ के लिए पूरा, जैसे मेनोडोक्सिल करता है वैसे बियर गमी काम नहीं करता है। मैंने जो भी डा मैंने डिटेल्स आपको बता दिया हूँ, अगर फिर भी आप यूज़ करना चाहते हो करो, लेकिन हाँ आपको अपने मेनोडोक्सिल लगाना है, इसके बाद इसको यूज़ करना है, क्योंकि दोनों एक साथ यूज़ करोगे तो आपको एक भयंकर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप नहीं सोचे होंगे, ठीक। बस वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।